नवरात्रि का छठा दिन मां कात्यायनी को समर्पित है। माना जाता है कि मां कात्यायनी की पूजा अर्चना करने से भक्तों को सुख समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है और जीवन में खुशहाली आती है। बताते चले कि नवरात्रि का छठा दिन मां कात्यायनी को समर्पित होता है। माता इस रूप में भक्तों को शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के वरदान देती है। माना जाता है कि देवी दुर्गा की छठी शक्ति मां कात्यायनी का जन्म महर्षि कात्यायन के घर हुआ था, इसीलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। शीघ्र विवाह और वैवाहिक जीवन में खुशहाली और दुश्मनों पर विजय पाने के लिए मां कात्यायनी की पूजा अचूक मानी जाती है। मां कात्यायनी पूरे ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं और इनके आशीर्वाद से भक्त को मनचाहा जीवन साथ मिलता है। वैदिक पंचांग के अनुसार मां कात्यायनी की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 11:40 से लेकर 12:30 तक रहेगा। इस मुहूर्त में पूजा करना शुभ होगा। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा करने के लिए सुबह उठकर स्नान करने के बाद पूजा स्थल की साफ सफाई करें। इसके बाद कलश की पूजा करने के बाद हाथ में पुष्प लेकर मां दुर्गा और मां कात्यायनी का ध्यान करें और पुष्प मां के चरणों से अर्पित करें। इसके बाद माता को अक्षत, कुमकुम, पुष्प और 16 सिंगार अर्पित करें। उसके बाद मां कात्यायनी को उनका प्रिय भोग शहद मिठाई अर्पित करें। मां को जल अर्पित करके दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। मां कात्यायनी की पूजा में देवी को शहद या फिर शहद से बने हलवे का भोग लगाएं। धार्मिक मान्यता है कि इससे सौंदर्य में निखार आता है, वैवाहिक जीवन में मिठास आती है और साथ ही धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। मां दुर्गा के छठवें स्वरूप में मां कात्यायनी का प्रिय रंग लाल है। ये रंग साहस और शक्ति प्रतिनिधित्व करता है। इस दिन लाल रंग धारण करना बेहद शुभ माना जाता है। पहला मंत्र है सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण रे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दूसरा मंत्र है ओम कली कात्यायनी महामाये महायोगिनी धघेश्वरी नंद गोप सुंत देवी पंती में गुरुते नमः। तीसरा मंत्र है पत्नी मनोरमा देहि मनोवृत्त अनुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलवोद्राम। फिलहाल मां कात्यायनी के ये मंत्र का आप जाप करके उनकी पूजा कर सकते हैं। फिलहाल इस पर आप क्या कुछ कर रहे हैं कमेंट करके बताएं। ऐसे तमाम लेडीज सब लोग को जाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट स्पिरिचुअल।